हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूर यूट्यूब चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज अपन जो आईपीएस क्लर्क मेंस प्लस आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हैं, उनके लिए 8th क्लास है जीए की। और इस क्लास के अंदर अपन गवर्नमेंट के जो क्या क्या टारगेट है, पंच अमृत टारगेट क्या है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र कितने खोले हैं, तो कम्प्लीट लगभग 40 से लेकर 50 तक टारगेट हैं। और अगर कोई आप लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो मैंने कवर नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि जो स्टूडेंट जो रह गया सारे स्टूडेंट को पता चल जाए। और वीडियो को लाइक भी किया करो, लाइक नहीं करते आप लोग, और कमेंट कर देना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि जो आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ा बहुत क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, वो लास्ट में बताऊंगा। बट पहले क्लास कर लेते अपन फटाफट। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस पर अवेलेबल होगी, ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। और अब 1 तारीख से थोड़ा मैं अच्छा करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, शेयर करो चैनल को, अपन क्लोज है काफ़ी। तो 1 तारीख से एक तो मैं मेंस का लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्वांट सोल्व करनी है, क्वांट अटेम्प्ट करनी है, क्वांट और रीजनिंग ये दोनों बताऊंगा, और इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, और कुछ जीए की स्पेशल वीडियो भी अपलोड करूंगा टॉप 100 MCQ करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, फटाफट फटाफट करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, इसमें ऐड करते रहना लिस्ट के अंदर। ट्रांस फैट फ्री स्टेटस 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी याद रखना, ट्रांस फैट फ्री कब करना, 2022। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 175 MW इंस्टॉलेशन 2022, 175 MW इंस्टॉलेशन करनी है रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक। डबलिंग फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम को डबल करनी है 2022। डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करनी है 2022। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गेज रूट, तो ब्रॉड गेज रूट है ना उसको इलेक्ट्रीफाई करना है 2023, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रोड्यूस 1 बिलियन टन ऑफ कोल 2023-24। रिन्यूएबल एनर्जी टू रिप्लेस डीजल इन एग्रीकल्चर 2024, ये इंपॉर्टेंट है। 2024 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना वो डीजल को रिप्लेस कर दी एग्रीकल्चर के अंदर। एम्स टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाई 50% 2024। इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2024। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन 2024। तो देखो, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, रटना मत जिए वो, इसको आप डेली 10-10 मिनट देखो, याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए अगर आपको जीए में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, और कमेंट जरूर करना यार, ठीक है। हर घर जल फॉर रूरल हाउसहोल्ड 2024। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 20%, वो है 2025 का टारगेट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, 20% है, अब 5 का पहाड़ा बोलना है आगे 25, ठीक है। और बजट के पार्ट दोनों जरूर देख लेना, मैं बोल रहा हूँ आईपीएस क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 35,000 करोड़, डिफेंस का एक्सपोर्ट का टारगेट है 35,000 करोड़ का, वो 2025 तक। 220 एयरपोर्ट 2026 तक, पहले ये 2025 था इसका टारगेट, अभी सितंबर में रिसेंट में चेंज हुआ है कि 220 एयरपोर्ट इंडिया कब तक डेवलप कर देगा, तो आंसर राइट है 2026 राइट है, ठीक है। और ये आरबी असिस्टेंट मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे ये न्यूज आई थी और अभी वापस आई है क्योंकि अभी 2026 कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ टीबी 2025। इंडियाज विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025। इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन इमिशन 2030 तक, नेट जीरो कार्बन इमिशन होना चाहिए। इंडिया रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी बाई 33-35% 2030, ठीक है। तो देखो, 5 ट्रिलियन वाले का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 5 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। नेट जीरो बोल रहा है तो लास्ट में जीरो आएगा 2030। इंडिया रिड्यूस करेगा एनर्जी इंटेंसिटी 33% से लेकर 35% तक, तो 35% से 5% कम करो तो 2030। 500 MW रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक, जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से याद करो, डेफिनेटली याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इंडिया टू एलिमिनेट मलेरिया, मलेरिया को खत्म करना है मतलब जीरो करना है 2030। ग्रीन रेलवे करना है 2030। जीरो रोड एक्सीडेंट फेटलिटीज, जो रोड एक्सीडेंट से जो डेथ होती है उसको जीरो करना है 2030। मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन 2030। और 2.5 बिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को अलग करना है तो उसका भी टारगेट है 2030। और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू रीच 22,480 MW, तो ये भी 2031 है, ये थोड़ा अलग है, 2031 आ गया यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट बन रहा है ये, तो ध्यान रखना।
न्यूक्लियर पावर की जो कैपेसिटी है 22,400 से 2031 तक होनी चाहिए। एनटीपीसी टारगेट 60 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, तो 60 मेगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी, वो 2032 बत्तीस तक है। एक सेकंड, थोड़ा पेन में इश्यू आ रहा है कुछ, रुकना। 2032 तक है एनटीपीसी का। एम्स टू रीच नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो 2070, नेट जीरो 2070। अब स्मूथ चल रहा है। नेक्स्ट वन है 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है 2027। इम्पोर्टेंट, मुंबई अनाउंस नेट जीरो कार्बन इमिशन प्लान 2050। मुंबई ने अनाउंस किया 2050 के अंदर नेट जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँ, जब भी क्लास देखूँ ना आप यूट्यूब पे ये वाली, तो आप रफ पेपर लेके बैठना, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप खुद भी रिलेट करते रहना, याद हो जाएगा। फिर एक बार पीडीएफ से वापस रिवाइज करना, फिर डेली 10-10 मिनट देखना, याद हो जाएगा, 1 घंटे का काम है। गवर्नमेंट सेटअप 33 न्यू डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल बाय 2024-2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 33 नए कार्गो टर्मिनल बनने जा रहे हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, तो इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है बायोफ्यूल, नेशनल पॉलिसी है ना बायोफ्यूल में, उसका टारगेट 2047 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ। अमृतसर जामनगर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का टारगेट है 2023 तक यह कंप्लीट करना है। 100% ग्रोथ इनरोलमेंट करना है स्कूल के अंदर 2030, 50% ग्रोथ इनरोलमेंट इन कॉलेज 2034, और तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की कि 100% ग्रोथ इनरोलमेंट करना है स्कूल के अंदर, 50% ग्रोथ इनरोलमेंट करना है 2034 के अंदर, ठीक है। टारगेट क्या है पीएम कुसुम के, 27.5 लाख सोलर पंप लगाने हैं, ठीक है, 27.5 लाख, उसमें से 10 लाख है ग्रिड कनेक्टेड और 17.5 लाख है ऑफ ग्रिड, ठीक है। एक लास्ट में एक रह गया है, वो भी मैं पहले से तैयार रख देता हूँ, एक कुछ इंपॉर्टेंट सा था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अभी आएगा तो उसको यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है, यहीं देखते हैं। नेक्स्ट वन है ऑप्टिकल फाइबर केबल का टारगेट है 50 लाख किलोमीटर बाय 2025 तक। पंचअमृत टारगेट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचअमृत टारगेट, क्योंकि आगे एग्जाम आएंगे ना IPSPSBIPO, तो वहां जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां ये क्वेश्चन देते हैं। तो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए 2030 तक, नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2070 है, और कार्बन इमिशन रिड्यूस बाय 45% करनी है 2030, कार्बन इमिशन रिड्यूस टू 1 बिलियन टन 2030, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया कैम थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो सब कुछ 2030 ही है इसके अंदर, प्लस नेट जीरो टारगेट 2070 है, बट पूरा याद होना चाहिए आपको कि कार्बन इमिशन 45% भी 2030 तक होगा, 1 बिलियन टन रिड्यूस होगा 2030, 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होगी 2030। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2035। तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने वोट किया है कि 2035 तक जो नई पेट्रोल डीजल कार है ना उस पर बैन लगा दिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2030, 30% याद रहेगा। यूरोपियन यूनियन प्रपोज द ड्राफ्ट लॉ फॉर हाउसिंग पेस्टिसाइड यूज बाय 2030। लो कार्बन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट ए मार्केट वर्थ $80 बिलियन होगा, यहाँ पे $80 बिलियन इन 2030। नेक्स्ट, अचीव $250 बिलियन मेरीटाइम इकोनॉमी बाय 2024। तो $250 बिलियन की मेरीटाइम इकोनॉमी का टारगेट है 2024 का। डेडलाइन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फेम टू टिल 2024। 6 लाख विलेज ऑफ इंडिया विल गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट बाई 2024, इंपॉर्टेंट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टू रीच 1.5 लाख करोड़ रुपीज बाई 2025। गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज 10,500 पीएम जन औषधि केंद्र बाई 2025 एंड 10,000 बाई 2024। तो ये सारे अपन कर दिए 46 टारगेट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब जो RRBPO मेंस के लिए जा रहे हैं, तो देखो अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, कुछ सोचो मत कि कैसे क्या पेपर क्या लेवल आएगा कितना है, कुछ नहीं सोचना है, बस रिलैक्स, और आज थोड़ा नींद जल्दी लेना, 11 बजे के आज से पहले पहले आप सोने की ट्राई करना, ठीक है। और होता है एग्ज़ाम से पहले नींद नहीं आती, तो 10 बजे के आसपास आप लोग दूध पी लेना गर्म करके, फिर आप सोना, उसके बाद आपको नींद आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और पेपर
मैंने बताया जिस टाइप से ये अटेम्प्ट करना है, वापस मैं बता देता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो, स्टार्टिंग में रीजनिंग पहले सोल्व करना सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग होगी। ओके, और जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ स्कोरिंग हो, बट स्टार्टिंग में रीजनिंग करना, क्योंकि जीए सब लास्ट में करना है। जीए कंप्यूटर, रीजन इसका ये है कि मान लो जीए और कंप्यूटर टफ आया तो आप लोग थोड़ा आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और रीजनिंग और क्वांट के अटेम्प्ट भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग जीए सबके लिए टफ आएगा बट आप लोग उसकी वजह से आपका रीजनिंग और क्वांट खराब होगा। तो पहले आपको क्वांट, रीजनिंग, फिर क्वांट, उसके बाद आप इंग्लिश कर लेना, फिर आप जीए कर और कंप्यूटर ये कर लेना दोनों। ठीक है, अब कितना कितना टाइम देना है, 35 मिनट्स 35 मिनट्स, अप्रोक्स 70 मिनट्स इन दोनों को देना है। और देखना टाइमर, जैसे 35 मिनट होए फटाफट स्किप करके उसी टाइम पे छोड़ के क्वांट में आ जाना। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को आप दे देना 20 से 25 मिनट दे देना आराम से। ठीक है, फिर आपके पास बचेंगे लास्ट में 70 90, फिर आपके पास 25 मिनट बचेंगे। 25 मिनट में आप आराम से मैथ, जीए और ये कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो यहाँ 20 मिनट दे दो या टाइम बढ़ा दो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट ट्राई करना कि जीए कंप्यूटर लास्ट में करो, पहले मत करना, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आप लोग अगर पहले करने जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं जल्दी जल्दी कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश खत्म कर देता हूँ, बाकी सारा टाइम इनमें देता हूँ। और जो टफ आया ना, मैं बोल रहा हूँ सवाल भी नहीं होने रीजनिंग, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले ये करना, ठीक है, और 35 मिनट बाद छोड़ देना है। और स्टक मत होना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे आपको लगे कि ये नहीं बनना है तो उसको छोड़ देना। और जैसे आरआरबी क्लर्क के अंदर क्वांट बहुत टफ आई थी, है ना, तो वहां आपको पेपर के अंदर स्मार्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्मार्ट अटेम्प्ट करना है कि जैसे जो चीज टाइप आई है उसको छोड़ो। तो आपको देखना है कि वन लाइनर है, अगर वन लाइनर ईजी आ रहे हैं तो वो करो। कैसलेट में मत भिड़ जाना, मैं बोल रहा हूँ अभी भी कैसलेट में मत भिड़ना, आप अपने मेरिट पे खेलना, जो आपको चीजें आती है, जो आपको लग रहा है कि ईजी है वो करना। ठीक है, वो उसी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो लाइक जरूर करना और गुड लक, अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आई होप 1 जनवरी को आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, अच्छा पेपर जाए आप लोगों का। और पेपर देने के बाद रिव्यू जरूर देना आप लोगों का कमेंट सेक्शन में। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।